नमस्कार, आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। मलियाबाद क्षेत्र के माल रोड पर नबीब नाह की कीर्तिश फ्यूज पेट्रोल टंकी पर ग्राहकों की खून पसीने की कमाई के साथ हो रहा खिलवाड़। भारी मात्रा में पेट्रोल पंप पर की जा रही है कालाबाजारी। युवक ने जब भरवाया अपनी कार में 800 रुपए का पेट्रोल, वहीं पर युवक द्वारा गाड़ी में पेट्रोल की स्थिति चेक की गई। तब सर्वजीत मौर्य ने बताया कि कीर्तिश पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने गया तो पहले 5 लीटर पेट्रोल भरवाया, लेकिन कार मेन में नहीं आई। उसके बाद फिर 5 लीटर पेट्रोल और भरवाया। शक होने पर शिकायत की तो वहां के कर्मचारियों ने सर्वजीत मौर्य से देख लेने की बात कही। ग्राहक एक तरफ तो महंगाई की मार झेल रहे हैं, ऊपर से पेट्रोल पंपों पर हो रही घटतौली कमर तोड़ रही है। बहुत देर बहस चलने के बाद मैनेजर ने मिस्त्री को बुलाकर पूरी टंकी खाली करवा कर माप की तो पेट्रोल केवल 7 लीटर ही निकला, लेकिन पेट्रोल पंप के मालिक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि मैनेजर ने अपने सामने टंकी खाली करवाई तो 7 लीटर ही पेट्रोल टंकी से निकला। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के सर्टिफाइड अकाउंट पर शिकायत दर्ज हो गई है। मेरा नाम सरजीत मौर्य है। मैं ग्राम बखा खड़क का निवासी हूँ। मैं यहाँ से रेगुलर पेट्रोल डलवाता था गाड़ी में, जिसमें मेरे को 2 बार पहले भी समस्या हो चुकी है। इस वजह मैं 2 व्हीलर में डलवाया था, तो इस वजह से मैं 100-200 ग्राम के लिए बोला नहीं। अभी जो है इसमें मैंने 10 लीटर ऑयल डलवाया था, जिसमें से इनके वर्करों ने जब ऑयल निकाला मेरी गाड़ी से तो कुल 7 लीटर निकला, जिसमें पहले का भी फ्यूल था। जब मैंने इनसे इनके स्टाफ से बोला कि ये जो है इसमें 7 लीटर कैसे निकला, तो ये हमसे बताने लगे कि आप ऐंठ क्यों रहे हो, हमसे जो है करने लगे। उसके बाद जो है ये कहने लगे अभी आपको देख लेंगे। हमने कहा देख लीजिएगा हमें, तो हमें इस प्रकार भी धमकाया भी इन्होंने।